हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, ये है अरवी। इसे बहुत लोग कच्चू कहते हैं, बहुत लोग अरवी कहते हैं। ये छोटे बड़े सभी आकार में मिलती है। इसकी सब्जी आज मैं बना के दिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। बिना प्याज बिना टमाटर के ये सब्जी बहुत ही यम्मी लगेगी। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें, ये बहुत अच्छी सब्जी बनने वाली है आज। तो चलिए, मैं इसे पहले छील लेती हूँ, छिलके कट कर लूँगी गोल गोल स्लाइस में। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सारे ही अरवी को मैंने छील के कट कर लिया है। जो बड़ा स्लाइस था उसे मैंने दो टुकड़ों में कट कर लिया है, और जो छोटा स्लाइस था उसे मैंने गोल गोल कट कर लिया है। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, ये अच्छे से गर्म हो चुका है। ये मैं सरसों का ऑयल यूज कर रही हूँ ये अरवी की सब्जी बनाने के लिए। अब मैं इसमें अरवी डाल दूंगी। ढक दे। अभी मसालों में मैंने लिया है लहसुन की कलियां, ये गोल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, और ये सरसों है 1/2 चम्मच, और ये धनिया 1 चम्मच धनिया है, खड़ा धनिया। इसे मैं पीस के पेस्ट बना लूँगी। अरवी को चला ले थोड़ा सा, हल्का सा नीचे से लाल होने लगा है, थोड़ा सा चला लेती हूँ। एक बार और डाल दें। अरवी हमारा हल्का सा भुन चुका है, अच्छा कलर देखने में लगने लगा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। रेसिपी अच्छी लग रही है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैंने नमक डाल दिया, चला लें अच्छे से। हमें सीजनेबल सब्जी खाना चाहिए, हर सब्जी में कोई ना कोई गुण जरूर होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच मिर्ची का पाउडर, और ये जो मसालों का पेस्ट मैंने बनाया था, जो बताया था मसालों का पेस्ट, वो भी डाल दें। सारा ही इस मसाले से ये सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिला लें। आंच को मीडियम रखें मसाला डालने के बाद। एक बार ये सब्जी जरूर बनाएं दोस्तों, बहुत अच्छी लगती है। रोटी के साथ तो बहुत मस्त जाती है ये सब्जी। तो दोस्तों, मसाले को मैंने 2 मिनट बहुत अच्छी तरह धीमी आंच पे उलटते उलटते भून लिया है। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, सारे अरवी में मसाला कोट हो चुका है, और अरवी हमारी गल भी गई है। एक प्रेस करके मैं देखी, देखिए बहुत अच्छी तरह से गल रहा है, टूट भी रहा है, गल चुका है। तो ये मैंने अरवी की भाजी बनाई है। ये बहुत ही सिंपल सब्जी है, लेकिन खाने में इतनी अमेजिंग लगती है कि आप इसका स्वाद भूले नहीं भूल पाओगे। तो मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो दोस्तों, अरवी भाजा बनके हमारा बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही यमी लगती है, दाल चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत ही मस्त जाती है। आप एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत आपको पसंद आएगी ये सब्जी। मैंने बहुत ही कम मसालों में ये सब्जी आपको बना के दिखाई है, एक बार जरूर ट्राई करें। तो रेसिपी पसंद आई है दोस्तों, तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।